प्रगतिशील भारत की आजादी के 75 वर्ष, चुनौतियां और संभावनाएं, यह विषय था रीवा के टीआरएस कॉलेज में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का। संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए रीवा विधायक पूर्व मंत्री ने इसे एक बेहतर कदम बताया। उनका कहना था इस तरीके के आयोजन से काफी चीजें निकलकर सामने आती हैं। टीआरएस कॉलेज के समाज कार्य विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का आज शुभारंभ हुआ। आजादी के अमृत महोत्सव के सापेक्ष ये एक सराहनीय कदम माना जा सकता है। शासकीय ठाकुर रणम सिंह महाविद्यालय रीवा के समाज कार्य विभाग एवं IQAC द्वारा दो दिवसीय राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी प्रगतिशील भारत की आजादी के 75 वर्ष, चुनौतियां एवं संभावनाओं का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल रहे। उन्होंने इस कदम को एक बेहतर कदम बताते हुए इस तरीके के आयोजन लगातार कराने की बात पर जोर दिया। राष्ट्रीय संगोष्ठी का प्रारंभ विधिवत सरस्वती पूजन वंदना के साथ किया गया। अतिथियों को स्मृति चिन्ह एवं किट भेंट की गई। संगोष्ठी के उद्देश्य का वाचन डॉक्टर अखिलेश शुक्ला संयोजक द्वारा किया गया। राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी में प्रस्तुत किए जाने वाले शोध पत्रों को ISBN युक्त पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया है, जिसका अतिथियों के द्वारा विमोचन भी किया गया, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर भी साफ तौर से देख पा रहे हैं। शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय के समाज कार्य विभाग द्वारा अति महत्वपूर्ण विषय पर राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जो भारत सरकार के आज़ादी के अमृत महोत्सव के सापेक्ष एक सराहनीय प्रयास। आज़ादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक मनाया जाएगा। आने वाले 25 वर्षों को अमृत काल के रूप में मनाने का फैसला भी लिया गया है। अमृत काल के 5 मुख्य संकल्प, जो भारतीय समाज के सापेक्ष विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विकास का निर्धारक निर्यात, खाद्यान्न उत्पादन में उछाल, ऊर्जा के क्षेत्र में वृद्धि, राष्ट्रीय राजमार्ग का मजबूत नेटवर्क, वाहनों के रजिस्ट्रेशन में वृद्धि, तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार, साक्षरता, उच्च शिक्षा तक पहुंच, विभिन्न विषयों पर गहराई से विश्लेषण किया गया। भारतीय समाज के समक्ष उपस्थित चुनौतियां कभी विश्लेषण इस दौरान प्रस्तुत किया गया। अखिलेश गुप्ता जी, यहाँ उपस्थित हमारी इस कार्यशाला के मुख्य वक्ता डॉक्टर PK गुप्ता जी, मंच पे उपस्थित हमारे नगर निगम के अध्यक्ष श्री वेंकटेश जी और यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों का मैं पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का जो विषय है हमारा आज़ादी के 75 वर्ष और इससे जो हमें उपलब्धियां मिली हैं या उससे आगे जो चुनौतियां हैं हमारे सामने, उसको डिस्कस करने के लिए ही ये पूरा संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। आज हम जिस स्थिति में हैं, इसकी परिकल्पना हमें तभी संभव हो सकी है जो हमारे पुराने संघर्ष जो थे, जिनके माध्यम से पुराने जो इतिहास में हम पढ़ते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो कष्ट सहे, जो गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए जो उन्होंने बलिदान दिए, उन सब का प्रतिफल आज हमें मिल रहा है। और उस समय से लेकर आज तक में बहुत परिवर्तन हुए हैं और उन परिवर्तनों से आज हम इतनी सरलता से सरल जिंदगी जीने में सक्षम हो रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे आधुनिक संसाधन उपलब्ध हैं और जिंदगी बहुत सरल हो गई है, परंतु पहले ऐसा नहीं था। पहले जो आज हमको चीज़ें मिल रही हैं, जो नई पीढ़ी है उसको चीज़ें सब सरलता से मिल गई हैं, तो उसको उन पुराने कष्टों का जरा भी अनुभव नहीं है। और इस वजह से ये जो नई पीढ़ी है, ये इसका दुरुपयोग ना करे, इसलिए हमको याद दिलाना पड़ेगा उन्हें कि जो चीज़ें आज हमें प्राप्त हुई हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष जुड़ा हुआ है। तो आप भी जो चीज़ प्राप्त हुई है उसको, उस संघर्ष को याद करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाएं,
जिससे कि ये जो हमारा देश है उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहे और इसके शान में कोई आंच ना आने पाए। यहाँ जो संगोष्ठी होगी उस संगोष्ठी में आपको बहुत सारे विद्वानों के विचार सुनने को मिलेंगे, उससे आपको नए सूत्र प्राप्त होंगे जिससे आप अपने लक्ष्य निर्धारित करने में सफल होंगे। इस गोष्ठी की सफलता की मैं शुभकामनाएं देती हूं। विश्व मानव की सुखी सुसंकृत अभिनव मानव की मूर्ति अहर्निश करता है, मेरा देश निरंतर बढ़ रहा है, मेरा देश निरंतर बढ़ रहा है। प्रतिक्षण सजग भेद, वर्ण भेद, नस्ल भेद, धर्म भेद, मेरा देश निरंतर बढ़ रहा है, मेरा देश निरंतर बढ़ रहा है। समय कम है, मैं अपनी बात को यहां समेटना चाहूंगा। तो इन 75 वर्षों में जैसा कि मैडम ने कहा, समाज का कोई ऐसा आयाम, कोई ऐसा पायदान नहीं रहा है जिसमें हमने प्रगति के झंडे ना माने। कुछ चुनौतियां भी हैं, उनसे भी हमें जूझना है, हमें अपनी विरासत को भी जानना और समझना है। तो निश्चित रूप से इस पे हमारे बहुत सारे विभिन्न प्रांतों से हमारे वक्ता हैं, हमारे स्कूल छात्र हैं, वो विचार मंथन करेंगे और निश्चित रूप से कुछ सूत्र भी। मैं माननीय मुख्य अतिथि और अतिथियों को यह बताना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय सेमिनार हो रहा है, इसमें हम लोगों ने एक अभिनव प्रयास किया कि हमारे जो शोध पत्रों का वाचन होना, 42 शोध पत्रों की पुस्तक को अंतरराष्ट्रीय मानक संख्या प्राप्त करते हुए माननीय प्राचार्य मैडम के निर्देशन में हम लोगों ने उसे प्री प्रोसीडिंग के रूप में प्रकाशित किया।